नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम आपको उस कैंप के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन दिनों सिंधी बाजार स्थित राजकीय आदर्श आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर की जानकारी हम जाने माने आयुर्वेदाचार्य शोभालाल जी और जिस हिसाब से जानेंगे, लेकिन बता दें कि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और बरसात के मौसम में कई ऐसी बीमारियां लगातार देखी जाती है जिसकी वजह से रोगियों को खासकर परेशानियां जाती हैं और इन बीमारियों के निजात को लेकर ही इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं। इस कैंप की खास बात ये भी है कि इसमें पंचकर्म चिकित्सा संबंधी सभी सेवाएँ भी दी जा रही है। सर से जानते हैं ये कैंप कितने दिन का रहने वाला है और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल करवाई गई है। सर, सबसे पहले तो इस कैंप के बारे में बताएं, क्या कहते हैं ये जो कैंप लग रहा है हमारे यहाँ। ये कैंप जो है राजकीय आदर्श आयुर्वेद अस्पताल सिंधी बाजार में आरोग्य समिति के माध्यम से पंचकर्म का ये 32वां शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर आज से शुरू किया हमने और लगभग ये 12 तारीख तक चलेगा। 5 दिवसीय कैंप है और ऐसे रेगुलर हम लगभग विगत 3 वर्षों से रेगुलर हम यहाँ रेगुलर लगा रहे हैं। इसमें जो अभी हमारे सामने जो डिजीज है वो आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से रोग हो रहे हैं, जैसे मॉडलिंग किचन हो गया और जो लाइफस्टाइल बैठने की उठने की सिस्टम बदला लोगों में, खान पान में जो सिस्टम बदला, बार बार लोग रेगुलर बाहर जाके खाना लग गए हैं, तो खान पान में बदलाव और दिनचर्या में बदलाव की वजह से घुटने की बीमारियाँ, जॉइंट्स पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका और अनिद्रा, ऐसे बहुत सारे रोग, स्किन डिजीज, ऐसे रोग यहाँ आ रहे हैं। बार बार जो जुकाम हो रहा है ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ऐसे लोग भी आ रहे हैं, और AVN एक वैस्कुलर नेक्रोसिस डिजीज ऐसे जो रोगी हैं ऐसे रोगी भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पंचकर्म विधि के माध्यम से यहाँ लोगों का शिरोबस्ती है, कटिबस्ती है, जानुबस्ती है और बस्तीकर्म है, नस्यकर्म है, ऐसे टोटल मिला के पंचकर्म है जितने कर्म हम यहाँ उपलब्ध है। और हम रेगुलर हमारी जो टीम है वो टीम के माध्यम से रेगुलर यहाँ कर रहे हैं। सुबह लगभग ये 8 बजे शुरू होता है लगभग और 1:30-2 बजे तक बीच में समाप्त होता है। और विगत जो हम रेगुलर कैंप कर रहे हैं उसके परिणाम ये आ रहे हैं कि यहाँ उदयपुर के ही नहीं अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आके यहाँ इलाज करा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे सबसे एक से सभी से निवेदन है जिसके भी जॉइंट्स पेन है, साइटिका है, फोर्डर शोल्डर है, ऐसे रोगी यहाँ जरूर आएँ। और विशेष एक कैंप हम 12 तारीख को लगाने जा रहे हैं जो अग्निकर्म चिकित्सा पद्धति है, जो शास्त्र में आए आचरण द्वारा वर्णित है, उसे तुरंत रिजल्ट मिलता है और तुरंत जो है ना एक्सीलेंट रिजल्ट जिसमें आता है वो फास्ट रिजल्ट जो आता है उसके माध्यम से हम रेगुलर उस दिन 12 तारीख को सुबह 9 बजे से लगा के वो 1-2 बजे तक हम रेगुलर काम करेंगे। तो उदयपुर की जनता जो सुन रही है उनसे निवेदन है कि ऐसे पेशेंट हो जो माइग्रेन हो, साइटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऐसे रोगियों का हम यहाँ इलाज कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और अपना जीवन स्वस्थ बनाएं और पहला जो सुख है निरोगी का है उसको अपनाएं। सभी के सुखी जीवन की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। ये जो पंचकर्म चिकित्सा के लिए भी आपने बताया है तो कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया अलग से डिसाइड किया है? इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो बीमारी से ग्रसित है लोग, इनके फोर्जन शोल्डर है, साइटिका है, माइग्रेन है, ऐसे रोगी जो कहीं ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोग जो कहीं एलोपैथिक से या कहीं दूसरी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जो इलाज ले रहे हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये पंचकर्म चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे रोग दोबारा होने की संभावना नहीं होती है। तो ये जो पूरी शोधन चिकित्सा पद्धति है इसमें वमन कर्म है, हमारे यहाँ विरेचन कर्म है, बस्ती कर्म है, अभी जो सबसे समय चल रहा है अच्छा चल रहा है बस्ती कर्म, वायु के जितने भी रोग हैं, जितने भी पेन्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए बस्ती कर्म हमारा बहुत बड़ा उपाय है। तो वमन का रक्तमोक्षण है, जो स्किन डिजीज को ठीक करने के रक्तमोक्षण का कार्यक्रम है, ऐसे पंचकर्म मुख्य होते हैं जी। तो पंचकर्म के माध्यम से रोगी को ठीक करते हैं तो दोबारा रोग नहीं होने की संभावना होती है और एक बार जड़ से रोग ठीक हो जाता है तो दोबारा होता है नहीं, यही इसकी विशेषता है। इस वजह से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये जो पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है ये आयुर्वेद की बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसको हम चाहते हैं उदयपुर के घर घर पहुँचे और हर लोग आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद तब लोगों को उजार बढ़े, यही हम इसका काम कर रहे हैं जी। ये जो एलर्जी संबंधी अभी काफ़ी सारी बीमारियां सामने आती है और खासकर ये मौसम बदलता हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह के पेशेंट है लगातार आ मिल रहे हैं? जी, वर्षा ऋतु के जैसे वर्षा ऋतु शुरू होती है वायु का प्रकोप का बढ़ जाता है, पित्त का संचय का बढ़ जाता है और एक जब मौसम चेंज होता है तो मौसम में वेरिएशन आता ही है, तो इस समय एलर्जी, जुकाम होना, बार बार छींके आना और बुखार आना, ऐसी चीज़ें वायरल जो डिजीज होती है मौसम बीमारी की वजह से, उसका यदि पंचकर्म के माध्यम से अपन इलाज करते हैं, नस्यकर्म करते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम करते हैं और बहुत सारे मेडिसिन हमारे जो है रसायन मेडिसिन है
जैसे मेडिसिन का उपयोग यदि रेगुलर करते हैं जीवन में और अपनी दिनचर्या सुधारते हैं तो ऐसे जो मौसमी बीमारी है उससे बचाव हो सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ बहुत सारे काढ़े बनते हैं, जीलोए का काढ़ा है, वात्सरश्मिक काढ़ा है, ऐसे जो रोग हैं अभी हमने जैसे कोरोना काल में बहुत काढ़ा पिलाया था लोगों को, ऐसे यहाँ कार्यक्रम करते हैं। और अश्वगंधा और गिलोय का जो मिक्सर में बनाया जाता है, बल्ला चूर्ण का चूर्ण मिक्सर में बनाया जाता है, वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है और हम लोगों को यहाँ निःशुल्क दिया जा रहा है। और जो इस बार जो शिविर में जो लोग आ रहे हैं उनको ये दवाई भी फिर निःशुल्क दी जा रही है, इनके जो ऑयल काम आ रहे हैं वो भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। सभी जनसहयोग के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, तो उदयपुर जनता जो जनसहयोग कर रही है उनका भी वो धन्यवाद देना चाहते हैं। और कोई कोई देना कोई जनसहयोग करना चाहे इस हॉस्पिटल के लिए उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार करना चाहते हैं। कोई आके या उदयपुर में इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ के कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे, तो हम सभी उदयपुर वासियों को और जो भामा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके कैंप है, कब तक आयोजित किया जाना है और टाइमिंग इसका क्या रह सकता है और कहाँ कहाँ तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं ये जानकारी भी बता दीजिए। ये कैंप रेगुलर अभी 32वां लग रहा है और हम चाह रहे हैं कि पूरा लगभग 31 मार्च तक लगभग हम 10 कैंप और लगाएंगे ऐसे बड़े बड़े 5-5 दिन के। और अभी एक और हम काम करने वाले हैं बहुत जल्दी, हमने बहुत सांसद महोदय से बात की है, उससे एजुकेशन के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं अभी आज डेट बाज रहे हैं। हम जितने भी गिरवा के बच्चे स्कूल के बच्चे हैं जो 5 साल से लगा के 16 साल तक बच्चे हैं उनको भी हम एक स्वर्ण भाषण अभियान जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा अभियान है उसको हम 20,000 लोगों जो भी बच्चे आएंगे संख्या आएगी उसको एक ही दिन एक समय हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमारे सांसद महोदय से भी हमने निवेदन किया तो वो तैयार है और भी जो भी विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके साथ हम तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमसे जुड़ेंगे, हमारे विभाग हमारे साथ जुड़ेगा और जितने से एजुकेशन की जो विभाग के टीचर्स हैं या वहाँ के जो स्टाफ है वो भी हमारे साथ जुड़ के गंदा काम करेंगे। साथ ही हमारे जो मेडिकल टीम इसमें काम करेगी उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो एक उदयपुर में एक बहुत बड़ा जनजाति क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में जो बच्चे का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनिटी कमजोर है उसको बूस्ट करने के लिए जो हमारे स्वर्ण पाषण अभियान है कश्यप संहिता में बताया गया है उस अभियान को भी हम चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत अतिथि शीघ्र उसके डेट हम फिक्स करने वाले हैं। जैसे भी हमारी डेट आएगी तो हम अब सबसे निवेदन करना चाहते हैं उदयपुर के जितने गिरवा है फिर यदि हम ये पायलट प्रोजेक्ट रूप में काम करें यदि सक्सेसफुल होता है तो पूरे उदयपुर जिले के अंदर हम ही काम करना चाहते हैं। और इसके लिए जितने भी जनसहयोग से भामा साहब से हम सहयोग मिलेगा हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जी। कोई संपर्क नंबर जिस पर डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं रोगी और अपनी समस्या है उसका समाधान भी पा सकते हैं? संपर्क तो ये हॉस्पिटल रेगुलर सुबह 8 बजे खुलता है 2 बजे बंद होता है। मेरा नंबर वैसे भी सार्वजनिक नंबर है 9414620938 ये नंबर मेरा है और ये नंबर रेगुलर रात को 9 बजे से लगा के सुबह 6 बजे तक चलता नहीं, इसके अलावा रेगुलर चलता है। तो आपसे निवेदन है आप कभी भी आए तो एक बार फ़ोन करके आएँ क्योंकि कोई मीटिंग भी हो सकती है हमारी, तो आपसे निवेदन है इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ लें और सभी स्वस्थ रहे यही कामना हम चाहते हैं जी। तो देखिए दोस्तों एक सप्ताह का ये कैंप लगा है और इस कैंप में आप आपके परिवार के लोग भाग ले सकते हैं। बड़ी बात ये है कि जो बदलते मौसम को लेकर जो बीमारियां हैं उनको तो निदान के लिए यहाँ बात हो ही रही है लेकिन पंचकर्म चिकित्सा पद्धति द्वारा विभिन्न बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा रहा है जहाँ डॉक्टर शोभालाल जी ओदिच द्वारा सेवाएं दी जाती है और इनकी जो टीम है वो बेहतरीन काम कर रही है। तो इस कैंप का लाभ आप ज़रूर उठाएं। आज आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपके जो मीडिया है उसके माध्यम से हम रेगुलर लोगों से रूबरू हो रहे हैं जी। और रेगुलर आप यही नहीं हमारे हर कार्यक्रमों को भी आप करते हैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम यहाँ योग का कार्यक्रम भी हमारे रेगुलर सुबह 6:30 बजे से लगा के 8:30 तक योग का भी होता है तो योग के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं रेगुलर। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो योग के माध्यम से ठीक हो सकते हैं जैसे आप बता रहे एलर्जी कल जी। एलर्जी का इलाज यदि हम चाहें तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो एक बहुत अच्छा प्राणायाम है और रेगुलर हमारे अशोक जैन और संतोष या उनकी पत्नी प्रेम जैन वगैरह पानु जैन वगैरह ऐसे बहुत सारे लोग रेगुलर यहाँ निरंतर बारिश हो या गर्मी हो कुछ भी हो यहाँ रेगुलर सुबह 6:30 बजे से लगा के 8:15 बजे तक योग के माध्यम से भी लोगों का उपचार करते हैं, योग के बारे में सिखाते हैं, योग को सिखाते भी और योग को खुद करते भी हैं। तो एक सब टोटल मिला के बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रेगुलर सुबह 6:30 बजे से जो हॉस्पिटल 8 बजे खुलना है वो 6:30 बजे खुल जाता है और रेगुलर 2 बजे तक हम चलते हैं रेगुलर काम करते हैं। तो उदयपुर की जनता को हम स्वस्थ और अच्छी बनाना चाहते हैं, उदयपुर स्वस्थ सिटी बने इसी कामना के साथ हम सभी उदयपुर वासियों को एक बार मंगल कामना करना चाहते हैं जी। तो देखिए दवाइयों के अलावा यहाँ योग द्वारा भी विभिन्न बीमारियों का इलाज निदान किया जा रहा है। आप इस जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।